हेलो बच्चों, तो सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 10th एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन। ये चैप्टर खत्म और आज पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी में भी पर्टिकुलरली सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, जिसके अंदर पढ़ना है हेनरीज लॉ। ठीक है, तो एनसीईआरटी में सॉल्युबिलिटी के बारे में भी कुछ बात की है, वो भी कर लेंगे। हेनरीज लॉ से एक सवाल आईआईटी 2009 में आया था, तो उसको भी ले लिया जाएगा। तो चलिए इस खूबसूरत सी सुबह में, इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर को, मैं अलख पांडे इस खूबसूरत से चैनल फिजिक्स वाला पे आपके साथ शुरू करता हूँ। तो हेडिंग लगाएंगे सॉल्युबिलिटी और आपको पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। पर क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्युबिलिटी की थोड़ी बात करती है, तो हम भी कुछ बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। क्या होती है सॉल्युबिलिटी, कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में अंडर सैचुरेटेड कंडीशन की। इससे ज्यादा आप जा भी नहीं सकता था। ठीक है, सॉल्युबिलिटी तभी डिफाइंड है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में अंडर सैचुरेटेड कंडीशन की। इससे ज्यादा जा भी नहीं सकता था। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए तब पूछो कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो पा रहा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बतानी है, ठीक है, इसको सॉल्यूट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको जनरली इन ग्राम्स लेते हैं, इन ग्राम्स। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बता पाएंगे। Dissolved in unit volume of a particular solvent, ठीक है, solvent पे भी solubility depend करती है भाई। अलग अलग solvent के लिए same solute की solubility अलग अलग होगी ना, किसी में वो ज्यादा dissolve होगा किसी में कम। तो particular word लगा दिया, particular solvent टू फॉर्म, अब ये इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि अब इससे ज्यादा डिसॉल्व भी नहीं हो सकता था सॉल्यूट। सैचुरेट हो गया, एकदम भर गया है ना, जैसे नहीं होता कि दिन भर पढ़ के हम बोलते हैं पढ़ लिए बस, अब हो गया, अब यहां तक भर गया। सर मैं तो आधा घंटा पढ़ के ही करता। अंडर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, या अंडर क्या एट कर लो, एट गिवन टेम्परेचर। तो ये सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो सके किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के यूनिट वॉल्यूम में, है ना। यूनिट वॉल्यूम जनरली 1 लीटर, कि 1 लीटर सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूट को ग्राम में मेजर करो, सॉल्वेंट कितना, 1 लीटर, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, मैक्सिमम कितना कर सकते हो बताओ, मैक्सिमम सैचुरेटेड, टू फॉर्म सैचुरेटेड, जितना मैक्सिमम कर सकते हो सॉल्यूट डिसॉल्व, सॉल्यूट जितना मैक्सिमम आप डिसॉल्व कर सकते हो 1 लीटर सॉल्वेंट में, उसी सॉल्यूट को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट यू कैन डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्वेंट, मैक्सिमम मतलब कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर पे भी कहानी डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे तो और डिसॉल्व हो जाएगा या कम डिसॉल्व होगा, प्रेशर चेंज करोगे तो भी इसकी सॉल्युबिलिटी चेंज होगी। क्लियर है, तो सॉल्युबिलिटी कुछ नहीं है, कितना सब्सटेंस ग्राम में डिसॉल्व हो सकता है 1 लीटर सॉल्वेंट में। और अलग अलग सॉल्वेंट के लिए भी सॉल्युबिलिटी चेंज होती है, इसलिए वर्ड लगा दिया पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट होंगी वो जनरली होती है ग्राम पर लीटर, कितना ग्राम सॉल्यूट इन कितना लीटर ऑफ सॉल्वेंट, या कई बार किताब में मोल्स पर लीटर दिया रहता है, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। इस चैप्टर में आपको सॉल्युबिलिटी की एक और यूनिट दिखेगी, दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना। गैस की सॉल्युबिलिटी हम इससे एक्सप्रेस करेंगे कि कितने मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्वड है। तो अभी जब इसको पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी तो ये समझ में आ रहा है। अब बात करती है एनसीईआरटी इसके बाद कि सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें क्लास 8th 9th से पढ़ते आ रहे हो आप, हैं सर हम नहीं पढ़े,
सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है? तो ये डिपेंड करती है सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे और सॉल्यूट पे भी, मतलब कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, आपस में मिलना चाहते हैं कि नहीं। अरे आपने पढ़ा होगा ना कि पोलर में पोलर डिजॉल्व होता है, पोलर सॉल्वेंट में कौन डिजॉल्व होता है, पोलर सॉल्यूट। सब तो केमिस्ट्री में कितनी बार पढ़ा, जैसे मान लो कोई पोलर सॉल्यूट, जैसे मान लो NaCl है, तो NaCl वाटर में बढ़िया से डिजॉल्व हो जाएगा, है ना। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्यूट, है ना, जैसे मान लो नॉन पोलर सॉल्यूट CCl4 ले लिया, तो ये बेंजीन में बढ़िया डिजॉल्व होता है। अब हम पूछें क्या NaCl बेंजीन में डिजॉल्व होता है, नहीं होता, पोलर पोलर में जाता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में, नहीं, हम लोग पढ़ते लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो कहीं ना कहीं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अभी NaCl इसमें देखे तो हाईली सॉल्युबल, उसमें देखे तो इनसॉल्युबल, इसको इसमें देखा तो नियरली इनसॉल्युबल, और इसमें देखा तो हाईली सॉल्युबल। तो सॉल्वेंट पे भी कहानी डिपेंड कर रही है। अभी मैं वाटर में पूछूं कि NaCl सॉल्युबल है, कहोगे हाईली, CCl4 नहीं। तो सॉल्युबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, पोलर में पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर। दूसरी चीज है टेम्परेचर, ठीक है। तो अब टेम्परेचर की कहानी थोड़ी लंबी है, अभी शॉर्ट में बता देते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट फॉर्म सॉल्यूशन। अब अगर ये प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है, मतलब हीट रिक्वायर्ड है, ये प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है, ठीक है, इसको हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। अगर ये एंडोथर्मिक है प्रोसेस, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब आपको ली चार्टलियस प्रिंसिपल अगर याद हो कि जो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है टेम्परेचर बनाने पे वो बढ़ जाता है, और जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है वो टेम्परेचर घटाने पे बढ़ता है। अगर यही चीज़ एक्सोथर्मिक होती, अरे पहले से ही हीट दे रहा है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट ऐसे ही बाहर निकल रही है, आप उसका भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो टेम्परेचर के साथ कोई फिक्स रूल नहीं है, देखना पड़ेगा कि एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक है हीट उसको चाहिए सॉल्युबल होने के लिए, तो दो भैया उसको टेम्परेचर के फॉर्म में हीट ही तो दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। एक्सोथर्मिक है हीट की जरूरत ही नहीं, खुद ही बाहर फेंक रहा है, फिर भी आप उसको टेम्परेचर दे रहे हो तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर, और तीसरा फैक्टर है प्रेशर। तो ये दो फैक्टर तो आपने कर लिए, तीसरा फैक्टर ही आज का हमारा टॉपिक बन जाएगा। इन दोनों को नोट कर लें, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे घट जाएगी। हीट ऑलरेडी बाहर निकल रही तो टेम्परेचर क्यों बढ़ा रहे हो भाई। तीसरा फैक्टर है प्रेशर, और इसी पे आज हमको सारी कहानी पढ़नी है। थर्ड फैक्टर जिस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, दैट इज प्रेशर। अब ये प्रेशर की कहानी सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्यूट पे नहीं लगती, सॉलिड सॉल्यूट पे या लिक्विड सॉल्यूट पे नहीं लगती। यार सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्यूट अगर तुम देखो तो ऑलरेडी उनका शेप फिक्स है ना, कम से कम मतलब दे आर वेरी कंप्रेस्ड, खुद ही कंप्रेस्ड होते हैं कि नहीं ऑलरेडी। सॉलिड्स पे प्रेशर लगा के सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाओगे उसकी, लिक्विड में भी प्रेशर लगा के नहीं कर सकते, टेम्परेचर से खेल कर सकते हो, सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर लगा के सॉल्युबिलिटी को चेंज नहीं कर सकते, बढ़ा के कि दबा दे तो डिसॉल्व हो जाए। बट अगर गैस की बात करें, गैसियस सॉल्यूट की, तो आपको भी फील हो रहा है कि गैसियस सॉल्यूट में चांस है, अभी चांसेस फॉर कंप्रेशन बचा है। भाई गैस को अगर दबाया जाए तो गैस डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि गैस का फिक्स शेप नहीं है, दबाओगे तो शेप चेंज होता हुआ अंदर जाएगी, इनके तो फिक्स शेप है ना। तो ये जो प्रेशर का फैक्टर है, ये गैसियस सॉल्यूट में सबसे ज़्यादा हमने देखा कि काम करता है, और गैसेस में हमने पाया कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस. ठीक है, जिस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है. सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस. यानी पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा, पार्शियल क्यों बोला, क्यों हो सकता हो एक से ज्यादा गैस हो, है ना. जैसे मान लो यहां कोई लिक्विड सरफेस है, ये मान लो यहां लिक्विड का सरफेस है, ठीक है. अब इसके ऊपर मान लो एक से ज्यादा गैस हो गई, है ना, तो टोटल प्रेशर से मतलब नहीं है सॉल्युबिलिटी को. जैसे मान लो यहां ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन का अपना प्रेशर, नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजन का अपना प्रेशर, हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन का अपना प्रेशर. तो कितनी नाइट्रोजन डिसॉल्व होगी इसके अंदर, ये डिपेंड करेगा नाइट्रोजन के प्रेशर पे. इसलिए क्या टर्म यूज किया है, पार्शियल प्रेशर, कि उसी गैस का प्रेशर. ये नहीं कि सबका मिला के प्रेशर देखा उसकी वजह से नाइट्रोजन. जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी. अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा, मतलब इन्होंने ये कहा है, इसे तो ये देख लो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस. ये कहा है, ठीक है, किसने कहा, ये हेनरीज लॉ है, ठीक है, हेनरीज ने कहा ये बात. ये बातें किसने की है, हेनरीज ने की है, ठीक है, हेनरीज लॉ. अच्छा भैया, ये हमने देखा. अब इन्होंने क्या कहा कि ये बात समझ के, पार्शियल प्रेशर वाली, कि जो सॉल्युबिलिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड. जरा फील करो इसको, जितने ज्यादा गैस के मोल्स डिसॉल्व होंगे या जितना ज्यादा मास ऑफ गैस डिसॉल्व होगा उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व होगा, कह सकते हैं कि नहीं. जैसे मान लो गैस के 10 मोल डिसॉल्व हैं और फिर उसके बाद गैस के 20 मोल डिसॉल्व कर दिए, उसके बाद गैस के 30 मोल डिसॉल्व कर दिए, तो जैसे जैसे गैस के मोल्स डिसॉल्व होने वाले बढ़ रहे होंगे वैसे वैसे गैस का मोल फ्रैक्शन भी तो बढ़ रहा होगा लिक्विड के अंदर. गैस डिसॉल्व होगी, गैस का मोल फ्रैक्शन. तो सॉल्युबिलिटी के लिए इन्होंने जो चीज यूज की, जो टर्म यूज किया, वो ग्राम पर लीटर नहीं लिया, मोल्स पर लीटर नहीं लिया, मतलब मास नहीं लिया, मोल्स नहीं लिया, मोल फ्रैक्शन लिया. इन्होंने कहा जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन गैस का लिक्विड के अंदर होगा उतना ज्यादा गैस सॉल्युबल है भाई, उतनी ज्यादा गैस अंदर है भाई. गैस के जब मोल्स ज्यादा होंगे अंदर तभी तो गैस का मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा. अब इन्होंने क्या कहा कि इसको इस तरह से नहीं लिखा, इसको उल्टा कर दिया साहब. इन्होंने कहा कि ऐसे पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड. ठीक है, डेफिनेशन को थोड़ा पलट दिया ऐसे. इस तरह से फील भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसे समझ नहीं सकते. हेनरीज ने यही बोला था. इसका मतलब क्या समझो, इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिक्विड के अंदर होगा उतना ज्यादा उस गैस का पार्शियल प्रेशर लिक्विड के सरफेस के ऊपर होगा. उल्टी कहानी. इस तरह से भी फील लेना बहुत जरूरी है. यही एक्चुअल डेफिनेशन है हेनरीज लॉ की, वरना किताबों में पढ़ोगे तो ये चीजें लिखी हुई है, बट जो फाइनल फॉर्मूला है वो यहां से आएगा. क्या कह रहा मैं, कि जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिक्विड के अंदर होंगे उस लिक्विड के ऊपर उस गैस का पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा होगा. व्हाट इज दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस, अबव उस लिक्विड के अंदर गैस के मोल फ्रैक्शन जितने ज्यादा होंगे उस लिक्विड के ऊपर गैस का पार्शियल प्रेशर भी उतना ज्यादा. दिस इज हेनरीज लॉ. दोनों लिख दोगे बोर्ड में, वो लिख क्या होगा, नंबर मिलेगा, है ये असल में. अब देखो P इज इक्वल टू, यहां से इक्वल लगाया, कॉन्स्टेंट आया KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड. व्हाट इज दिस KH? KH इज सम कॉन्स्टेंट नोन एज हेनरीज कॉन्स्टेंट.
पी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सर्फेस, के एच इज नोन एज हेनरीज कॉन्स्टेंट, ठीक है, इन्हीं के नाम पे रख दिया हेनरीज कॉन्स्टेंट। आप भी कुछ बढ़िया करो, है ना, कि राजूज कॉन्स्टेंट भी बन के आए, है ना, सूरज कॉन्स्टेंट ऐसा बन के कुछ आए हमारा भारतीय नाम से, और लड़कियों का नाम भी ले ले क्योंकि बोलेंगे हमारा नाम नहीं लिया, है ना, तो प्रीति कॉन्स्टेंट ऐसा कुछ आ जाए, गीता कॉन्स्टेंट ऐसा कुछ आ जाए, ठीक। तो ये है हेनरीज लॉ, क्या, कि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा गैस का अबव लिक्विड सरफेस, उतने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिक्विड के अंदर जाएंगे, जितना दबाओगे गैस उतना अंदर से दबा के चली जाएगी, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे उतना गैस अंदर जाएगी, या उल्टा देख लो, जितना ज़्यादा गैस अंदर होगी ऊपर पार्शियल प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। के एच इज हेनरीज कॉन्स्टेंट, नोट कर लें, मिटा रहे, फिर हम इस पर बात करना स्टार्ट करें। नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया, ओके। सॉल्युबिलिटी को किससे दिखा रहे हैं, वो मोल फ्रैक्शन से, ठीक है, उनकी मर्जी है, जितने ज़्यादा मोल्स डिजॉल्व होंगे मोल फ्रैक्शन उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो लगा ही लिया उन्होंने अपने हिसाब से, तो सब सेटल हो गया होगा। यानी पी इज इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये है अपना हेनरीज लॉ, ठीक है। वॉट इज एक्स, एक्स इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, वॉट इज के एच, के एच इज हेनरीज कॉन्स्टेंट, इसके बारे में बात करते हैं। पी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस, रट गई इतनी बातें। अब हेनरीज कॉन्स्टेंट पे थोड़ी सी बात कर लें, मेरे को ये बताओ कि के एच की क्या यूनिट होगी, देख के बताओ यहाँ से, मोल फ्रैक्शन की क्या यूनिट होती है, फ्रैक्शन, इसकी कोई यूनिट नहीं, यानी के एच की वही यूनिट होगी जो पार्शियल प्रेशर की होगी, तो के एच की यूनिट प्रेशर की यूनिट, यानी एटीएम हो सकती है, बार हो सकती है, है ना, मिलीमीटर ऑफ एच जी हो सकती है, यानी के एच विल हैव सेम यूनिट एज दैट ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कोई यूनिट है नहीं, तो केच जनरली आपको एटीएम में, बार में, है ना, किलो बार में, एमएम ऑफ एचजी में, टॉर में, प्रेशर की यूनिट में आपको केच मिलेगा, हेनरीज कांस्टेंट। अच्छा, इस हेनरीज कांस्टेंट की अगर बात करो तो हेनरीज कांस्टेंट कैसे निकलेगा, चलो पहले ये देख लें। तो हम क्या मतलब एक्सपेरिमेंट भाई, ये तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे निकाला, तो हमने खूब ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए और हर गैस के लिए ये ग्राफ बना लिया, कौन सा, इधर ले लिया हमने पार्शियल प्रेशर और यहाँ ले लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, एक्सपेरिमेंट्स किए, ग्राफ बनाया, ग्राफ देखा, स्ट्रेट लाइन आया, आना भी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, गैस इन लिक्विड, है ना, और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। अब इस ग्राफ की हमने स्लोप निकाल ली, बच्चों इस ग्राफ की स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, यानी पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, क्या दे देगा आपको, हेनरीज कॉन्स्टेंट। तो इस ग्राफ की स्लोप से हेनरीज कॉन्स्टेंट निकलता है। मान लो एग्जाम में सवाल आ जाए, इधर पार्शियल प्रेशर, इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, देखे हेनरीज कॉन्स्टेंट, बहुत ही गिरे हुए लेवल का सवाल, फिर भी तैयार रहना चाहिए, इससे निकालते हैं। अब ये जो हेनरीज कॉन्स्टेंट है बच्चों, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, ठीक है, मतलब कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस आल्सो, ठीक है, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, कांस्टेंट चीज है ना, देख रहे हो इसकी सॉल्युबिलिटी से कहीं ना कहीं जुड़ गया है, और इसकी सॉल्युबिलिटी यानी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्वेंट में, किसी लिक्विड के अंदर, तो दोनों पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो, ठीक है ना। के एच की कुछ कॉमन वैल्यूज जरा दिखा दें, मतलब एक आपको एक कहानी दिखा दें के एच की, इसको नोट कर लो तो बताएं, इतना नोट कर लें पहले, फिर आपको एक के एच की छोटी सी कहानी बता दें, बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, बहुत बढ़िया, नोट कर लिया, अच्छा
ठीक है, तो P वर्सेज इसका ग्राफ बना होगा तो KH स्लोप्स निकलेगा, ठीक है। तो KH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो हम जरा KH की वैल्यू आपको बता रहे हैं, KH फॉर डिफरेंट गैसेस इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम KH की वैल्यू दे रहे हैं जरा आपको, यहाँ KH की वैल्यू, यहाँ गैसेस, ठीक है। तो गैस हमने ले ली हीलियम, KH की वैल्यू 140 किलो बार में, ठीक है, यूनिट है किलो बार, प्रेशर की यूनिट लेगा तो किलो बार, ऐसे ही हम आपको एक फीलिंग दे रहे हैं, करीब करीब 144 होती है, 140 लिख दे रहे हैं। हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन की 75, ठीक है, और ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन की 35, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यूज है, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, ये KH की वैल्यू, इनसे क्या फील हो रहा है, मतलब इससे क्या दिमाग में क्या इमेज बन रही है कि हीलियम का KH ज्यादा, इसका मतलब क्या कि हीलियम की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, इसलिए मैंने ये लिखा। और ये सारे KH किसके लिए हैं, फॉर डिफरेंट गैसेस इन वाटर, यानी अभी मैं सॉल्वेंट चेंज कर दूं तो KH फॉर हीलियम चेंज हो जाएगा, सॉल्वेंट चेंज कर दूं तो KH फॉर हाइड्रोजन भी चेंज हो जाएगा, मतलब ये जो हेनरीज कॉन्स्टेंट है ये गैसेस का तो है ही है, हर गैसेस का अपना अपना वैल्यू लेता ही है, बट फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर भी, टेम्परेचर बदलने पे भी बदलता है, ये भी अभी बताएंगे, ठीक है। तो KH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड नेचर। अब बात कर रहा हूं मैं कि इससे क्या समझ में आता है कि इसका इससे ज्यादा है, यहां से देखो समझ में आएगा, यहां से देखो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू पी अपॉन KH, दिख रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज इक्वल्स टू ऑफ गैस इन लिक्विड, बार बार क्यों लिख रहा हूँ, अभी JEE 2009 का सवाल देखोगे तब समझ जाओगे कि बार बार ऐसे क्यों लिख रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज इक्वल्स टू पी अपॉन KH, यानी कि सॉलिबिलिटी KH से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका KH बड़ा होगा उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जिसके KH की वैल्यू ज़्यादा उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड की वैल्यू कम, यानी उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। तो हमने पूछा कि वाटर में क्या हाल है, तो वाटर में हाल चाल ये होते हैं कि हीलियम का KH बहुत ज़्यादा है, तो हीलियम करीब करीब वाटर में इनसॉल्युबल है। हाइड्रोजन ठीक ठाक दिख रहा है KH, तो हाइड्रोजन सॉल्युबल है। ऑक्सीजन का KH बहुत छोटा है, KH बहुत छोटा, सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा, तो ऑक्सीजन देखा वाटर में हाईली सॉल्युबल है ना, इनके कंपैरिजन में। अभी हो सकता है किसी का KH और छोटा हो तो वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हाईली सॉल्युबल, इन तीन को अगर कंपेयर करें, इसकी KH की वैल्यू बहुत ज़्यादा करीब करीब इनसॉल्युबल, इसकी KH की वैल्यू बहुत कम तो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। तो समझ गए, यहाँ से x इज इक्वल्स टू पी बाई KH, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, अगर प्रेशर भी कॉन्स्टेंट रखें KH की वैल्यू निकालें तो KH जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी कम, याद रखना इस बात को, KH जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी कम। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है KH, हाउ डज इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यूनिट लिख ली इसकी, हाउ डज इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। सो जनरली देखा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे KH की वैल्यू भी बढ़ती है, जिसका मतलब हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड की वैल्यू घटेगी, जिसका मतलब ये हुआ कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस घटने वाली है, ठीक है। तो जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस घटती है, ठीक है, इतना नोट करो, फिर बताएं इसके बारे में, एक कहानी भी है। कहानी ये है कि जो मछली जल की रानी है वो ठंडे पानी में रहना ज़्यादा पसंद करती है, गर्म पानी में नहीं, है ना। एक्वाटिक एनिमल्स ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इन कोल्ड वाटर, ठीक है, यहीं से पॉइंट बनेगा क्या कि एक्वाटिक एनिमल्स कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, तो ऐसा क्यों, ठंडे पानी में क्यों रहना चाहते हैं, हम तो ठंडे पानी दूर भागते हैं, हम और आप तो नहाना नहीं चाहते, तो ये क्यों चाहते हैं। तो देखो कोल्ड वाटर में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो KH की वैल्यू भी कम होगी और सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होगी,
सॉल्युबिलिटी किसकी है? गैस की ना। तो कोल्ड वाटर में क्या होगा, टेम्परेचर कम हुआ, केएच कम हुआ, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो गई गैस की, तो ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होगी पानी में, है ना, तो मछली खुश रहेगी, बढ़िया ऑक्सीजन मिलेगी उसको। गर्म पानी में क्या होगा, मछली को गर्म पानी में डाल दो, जल नहीं है, इतना गंदा सोचो मत, मतलब अगर थोड़े गर्म पानी में मछली चली गई ना तो मछली तो गई, तो गर्म पानी में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, केएच ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी कम, तो उतने बढ़िया ऑक्सीजन ही डिजॉल्व नहीं हुई उसमें, है ना, सॉल्युबिलिटी। तो इसलिए एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। चलिए मिटा दें इसको, केएच की कहानियां समझ में आ गई आपको सारी। केएच किस पे डिपेंड करता है, अलग अलग गैस का केएच अलग अलग होता है और अलग अलग सॉल्वेंट के लिए भी अलग अलग होता है। केएच की वैल्यू जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी कम। अरे ये फॉर्मूला बस पकड़ के रखो, पी इज इक्वल्स टू केएच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। यहाँ से देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच, केएच टेम्परेचर के साथ भी बढ़ता है, ठीक है ना। अच्छा चलो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इस पर न्यूमेरिकल किया जाए इसके ऊपर। तो इसके पहले न्यूमेरिकल ले लेते हैं, केएच फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एट 298 केल्विन इज 1.67 इंटू 10^8 पास्कल। देखो पास्कल भी किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। कैलकुलेट मास ऑफ CO2 डिजॉल्व्ड इन 500 ml सोडा, ठीक है, सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व की जाती है प्रेशर प्रेशर डाल के इसे दबा के, ठीक है, सोडा वाटर वो देखा है वो जो कोल्ड ड्रिंक वाला फुस बाहर निकलता है, अभी समझाते हैं वो भी, है ना। खैर अभी न्यूमेरिकल करो, डिजॉल्व्ड इन 500 ml सोडा, अभी समझाएंगे उसको, ठीक है। एट 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन कैलकुलेट मास ऑफ CO2 डिजॉल्व। एग्जाम आपको हम यहाँ ऑप्शन 0.8 ग्राम, 1.8 ग्राम, 2.8 ग्राम, 6.8 ग्राम। चलो भाई CO2 का मोलर मास 44 होता है, KH की वैल्यू दे ही रखी है, और क्या चाहिए भैया। ATM को पास्कल में कन्वर्ट करना आता ही होगा, 1 ATM इज 1.013 × 10^5 pascal। ट्राई करो पॉज करके, एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, आसान सा न्यूमेरिकल, फॉर्मूला बेस्ड हलवा। चलिए फॉर्मूला लगाएं, एक ही फॉर्मूला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज 2.5 atm, के एच की वैल्यू है 1.67 × 10^8 pascal, तो इसको भी पास्कल में चेंज कर लें तो हो जाएगा 2.5 × 1.01 × 10^5, है ना, पास्कल में चेंज हो गया, ये भी पास्कल में, है ना, मल्टीप्लाइड बाई ATM को पास्कल में चेंज कर लिया ना, पास्कल था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, यही तो निकालना है हमको लास्ट में कि कितना मोल फ्रैक्शन है, मास निकालना है। तो कैलकुलेट मास ऑफ CO2, लेट मास ऑफ CO2 बी x, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, ऊपर CO2 के मोल्स रखो और नीचे टोटल मोल्स रखो, यही तो होगा, ऊपर CO2 के मोल्स नीचे टोटल, टोटल में CO2 के भी आएंगे और वाटर के भी आएंगे, भाई लिक्विड के अंदर अब क्या क्या, यही तो समझो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, तो लिक्विड में अब लिक्विड भी है और गैस भी आ गई है, तो ऊपर गैस का मोल्स नीचे टोटल मोल्स, और पहले निकालने कितना रहा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसकी वैल्यू आ रही है 2.5 × 1.01 × 10^5 अपॉन 1.67 × 10^8, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे हम। अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हटाया, इसको करीब करीब जीरो चलो मान लेते हैं, और यहाँ से पॉइंट हटाया तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको करीब करीब 175 मान लो, अप्रॉक्सीमेशन कर रहा हूँ, 25, 6, 7 जा, तो ये हो जाएगा 10^6 और 10^8, यानी 1/7 × 10^-2,
10^6 × 10^7 देख रहे हो ये वैल्यू बहुत छोटी है। देखो ये वैल्यू बहुत छोटी होने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1/7 × 10^-2। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स वाटर कंपेरिजन में बहुत कम है, तभी तो मोल फ्रैक्शन बहुत छोटा आ रहा है, 10^-2 में आ रहा है यार, -3 भी हो सकता है क्योंकि थोड़ा अप्रोक्सीमेशन भी माना, बहुत छोटा आ रहा है मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बहुत कम है लिक्विड के अंदर, ठीक है, बहुत कम है कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स। तो अगर ऐसा है तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को निगलेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के सामने, बहुत छोटा है इससे भाई, छोटा ना होता तो ये डिवाइड करने पे इतना छोटा क्यों आता। तो हम इसको करीब करीब नीचे में जीरो मान सकते हैं, ऊपर में तो नहीं मानोगे, नीचे में इसके साथ ऐड हो रहा है तो वाटर के सामने ऐड करने कोई फायदा ही नहीं है। तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1/7 × 10^-2। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखना इसको, एग्जाम में ये सब चीज़ें करने में आंसर बढ़िया से आ जाता है। चलिए इसको मिटा दें, मास ऑफ CO2 पूछा है, मास ऑफ CO2 को मैंने एक्स मान लिया, उसको आगे बढ़ाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 को x माना अपॉन मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम होता है ना, कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, अब तो आप 12th में आ गए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा वाटर का याद करो तो इन्होंने हमको बोला 500 ml वाटर है, वाटर जनरली डेंसिटी 1 ग्राम पर लीटर होती है, तो ये 500 ग्राम के बराबर होगा। अब आप बोलोगे सर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, डेंसिटी डिस्टर्ब होगी वगैरह वगैरह, बहुत कम है कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ना यार इसका मोल फ्रैक्शन 10^-2। तो वाटर की डेंसिटी हमने कितनी मान ली, वाटर की डेंसिटी हमने 1 g/ml मान ली, और 500 ml से 500 g वाटर हो गया, तो मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास, बोलो सही है, समझ गया ना, टोटल मास जो सोल्यूशन का है वो वाटर का मान लिया, अजम्पशन है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, इज इक्वल्स टू 1/7 × 10^-2। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, सो x इज इक्वल्स टू 1/7 × 10^-2 मल्टीप्लाइड बाई 500/18 मल्टीप्लाइड बाई 44। यहाँ से अप्रॉक्स वैल्यू निकालने की कोशिश करें, आइए रिंगा 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 रिंग 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 रिंग, इसको करीब करीब 42 मान लें, 7 × 7 = 7, 7 × 6 = 42, 7 × 6 = 6, 6 × 3 = 18, और इसको काटने के लिए 510 कर लो, 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 21, 3 × 7 = 21, 0, so this is 1/17 × 10^-2, so this will be 1.7 g। बोलो सही है, आप निकालो, अप्रॉक्सीमेट किया मैंने, 1.7 से क्लोजेस्ट 1.8 है, तो मैं इसी को मार दूंगा, हो सकता है आपका अप्रॉक्सीमेशन 1.5 दे, 1.9 दे, 2.1 दे, तब भी 2.1 के क्लोज यही दिख रहा है, क्लियर है, तो मुझे दिख रहा था कि वैल्यूज दूर दूर हैं, तो इसलिए मैंने अप्रॉक्सीमेशन कर डाला, सही आएगा आंसर, टेंशन मत लो। बात समझ में आई, सिंपल फॉर्मूला है, पी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू केएच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, पी ऑफ गैस को मैंने पास्कल में कन्वर्ट किया, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन टोटल मोल्स, फिर मैंने कहा कि ये जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है ये कैसा आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है, इसका मतलब इसके मोल्स इसके कंपैरिजन बहुत कम है वाटर के कंपैरिजन, तो हमने इसको यहाँ पर जीरो मान के नीचे सिर्फ वाटर के मोल्स रख दिए, है कि नहीं, अरे बहुत कम है, देखो 1.7 g है, इसको 44 से डिवाइड कर, देखो आंसर देख लो ना, 1.8 g है, डिवाइड करो 44 से, ये है कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स, और वाटर के मोल्स बताओ कितने हैं, 500/18, तो ये बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, दिख रहा है कि नहीं, बहुत ही कम है इसके सामने, इसलिए नीचे उसको नेग्लेक्ट कर दिया। बस उसके बाद फिर ऊपर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्स मान लिया अपॉन मोलर मास, मास ऑफ वाटर मैंने 500 g मान लिया, डेंसिटी 1 मान के अपॉन 18, मैंने डेंसिटी 1 क्यों मानी, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत फर्क नहीं पड़ा, और फिर यहाँ से एक्स निकाल लिया, मिटा दें। अब देखो जेई 2009 में क्या सवाल दिया था इसका, ठीक है, जेई 2009 में हमसे कहा था KH फॉर नाइट्रोजन इज 1 × 10^-5 ATM, ठीक है, और हमसे बोलता है एट 298 Kelvin, और हमसे बोलता है कि आपको फाइंड करना है द
और हमसे बोलता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8. आपको फाइंड करना है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर दैट डिजॉल्व्स इन 10 मोल्स वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 एटीएम प्रेशर आर. ऑप्शन दिया है 4 × 10⁻⁵, 4 × 10⁻⁴, 4 × 10⁻⁶ एंड 5 × 10⁻⁴. एक बार मैं थोड़ा सा डेटा चेक कर लूँ इसका, सो कंफर्म हो जाए पूरा. 10⁵ ATM यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, बाकी सब सही. चलिए ट्राई करें इसका. बढ़िया सवाल है ये वाला, आप सोच के करेंगे आराम आराम से, भागेंगे नहीं. हो गया मैं करूं. चलिए केएच फॉर नाइट्रोजन मिल गया है, ठीक है मैं करने जा रहा हूं. तैयार हैं आप? हाँ, तो केएच फॉर नाइट्रोजन मिल गया है, ऐसा आराम आराम से करना है इसको. द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8. एयर में देखो यहां पे एयर है, एयर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.8 है. लिक्विड के अंदर नहीं है ये, इसको फॉर्मूले में यूज मत करना. कई लोग ने क्या किया होगा, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू गैस नाइट्रोजन है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, और सीधा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन में 0.8 रख दिया होगा. नहीं, ये क्या था, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन लिक्विड था, और ये किस में दिया है, एयर में. सवाल को समझो, ये नहीं डेटा लेके रख दिया, एयर में दिया है मोल फ्रैक्शन 0.8. इसी से तो पार्शियल प्रेशर निकालोगे. आपने पार्शियल प्रेशर में 5 रख के गलत कर दिया अगर किया है तो, 5 ATM देख के. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, समझो बात को. ऊपर सिर्फ नाइट्रोजन नहीं है इसके, ऊपर नाइट्रोजन भी होगा और शायद ऑक्सीजन भी होगा. एयर में ऑक्सीजन होता है कि नहीं, बोल रहे सारा. अरे यही तो होता है ना, एयर में 80% के आसपास नाइट्रोजन, 20% के आसपास ऑक्सीजन. देखो तो वो करीब करीब 0.8, 0.2 ये होगा, है ना. तो 5 ATM जो दिया है वो इन दोनों का मिलाकर प्रेशर है. From air that dissolves in 10 moles water at 298 Kelvin and 5 ATM pressure. कहीं लिखा है 5 ATM nitrogen pressure. तो यहाँ पे 5 रखना भी गलत है और यहाँ पे 0.8 रखना भी गलत है. यहाँ रखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, और यहाँ रखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, आप रख रहे हो टोटल प्रेशर. अगर लिखा होता 5 ATM N2 तब लिखते सही है, 5 ATM यहाँ का टोटल प्रेशर है. अब आप पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालो. पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकलेगा, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. याद आया डाल्टन्स लॉ, किसी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर इंटू उस गैस का मोल फ्रैक्शन इन दैट मिक्सचर. टोटल प्रेशर है 5, मोल फ्रैक्शन 0.8, तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है 4 ATM. अरे 5 टोटल प्रेशर है, उसमें से 0.8 ये बना रहा है, 5 का 0.8, 0.8 इंटू 5, 4 ATM. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अबव लिक्विड सरफेस कितना है, 4 ATM. इसी को 5 रख के आपने पहली मिस्टेक की, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अबव लिक्विड सरफेस 4 ATM, इसको आप 5 रख देते. 5 का 0.8% इज इक्वल्स टू KH, KH की वैल्यू तो चलो सही है, 10⁵ ATM है ये भी, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन लिक्विड. ये तो नहीं पता ना,
ये तो हमें नहीं पता, ये तो अननोन है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन लिक्विड कितना डिसॉल्व हुई यही तो पता करना है, ध्यान से सवाल पढ़ो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर दैट डिसॉल्व्स इन, अगर यही सीधा 0.8 होता तो खटाक से कर देते ना, मोल फ्रैक्शन पता था नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते, जैसे पिछले सवाल में किया था मास निकाला था, कितना डिसॉल्व हुआ यही तो नहीं पता, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर, लिक्विड क्या है वाटर, इज इक्वल्स टू 4×10⁻¹⁵। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ये वाला, अरे रुक जाओ, ये मोल फ्रैक्शन है, क्या पूछा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर दैट डिसॉल्व्स इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन मिटा लूं मैं, क्वेश्चन तो नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट था, नोट कर लिया, मिटा दूं, ये मिटा दूं, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, मिटा, चलो अच्छा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर दैट डिसॉल्व्स इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन देखो बहुत छोटा आ रहा है, अच्छा नाइट्रोजन है किस में, पानी के अंदर, तो ऊपर होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी, है कि नहीं, इसमें ऑक्सीजन भी तो डिसॉल्व करेगा और भी गैसेस जो होंगी एयर में डिसॉल्व करेंगी और पानी भी होगा इसके अंदर, इस टाइम नाइट्रोजन भी होगा ऑक्सीजन भी होगा और भाई गैसेस भी होंगी और पानी भी होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर, ऊपर नाइट्रोजन के मोल्स नीचे इन सब के मोल्स, इज इक्वल्स टू 4×10⁻¹। अब आप देख रहे हो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, यानी नाइट्रोजन के मोल्स बहुत कम है व्हेन कंपेयर्ड टू वाटर, तो वही कहानी करेंगे इसकी भी हम, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और नीचे सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि नाइट्रोजन के मोल्स इसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन के मोल्स और कम होंगे, है ना, इसका 4 एटीएम, तो ऑक्सीजन तो 1 एटीएम प्रेशर पे क्या ही डिसॉल्व होगा, इज इक्वल्स टू 4×10⁻¹। कंसेप्ट बेस्ड सवाल पूछता है आईटी, वाटर के मोल्स कितने दे रखे हैं 10, यहां 10 रख दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 4×10⁻¹⁵ मल्टीप्लाइड बाई, इसको इधर ले गए 10, तो हो गया 4×10⁻¹⁴ इज द करेक्ट ऑप्शन। जब ये आया था ज़्यादातर बच्चे ये गलती करके आए थे, मैक्सिमम बच्चे, छोटी छोटी इसमें बातें थी जो आपको समझना जरूरी था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, एयर में नाइट्रोजन इतना था तो यहां से पार्शियल प्रेशर पता चला, इस प्रेशर की वजह से डिसॉल्व हुआ, कितना डिसॉल्व हुआ इतना डिसॉल्व हुआ, ये मोल फ्रैक्शन बहुत छोटा है तो हमने नीचे वाले मोल्स को हटा दिया नाइट्रोजन में, इतना छोटा सा इसके सामने क्या ही कंपेरिजन, नीचे सिर्फ वाटर 10 मोल है नाइट्रोजन के, देख रहे हो कितने मोल आ रहे हैं 4×10⁻¹⁴, तो 4×10⁻¹⁴ अगर 10 में जोड़ते भी कोई फर्क पड़ता क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हटा दिया नीचे से, बहुत कम मोल्स हैं नाइट्रोजन की 4×10⁻¹⁴, यहाँ रखने से कोई फायदा भी नहीं होता, ठीक है, वो हमें मोल फ्रैक्शन देख के समझ में आ गया, मिटा रहे हैं, तो ये बढ़िया सवाल पूछा था। इसके बाद एक दो एप्लीकेशन है अपने इसी के, एप्लीकेशन कह लो या रियल लाइफ एग्जांपल्स कह लो, ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ दिखती है हमको, हेनरीज लॉ, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स, हेनरीज लॉ के, ठीक है, क्या क्या है, जैसे सबसे पहले अपना सोडा बॉटल फिजेस व्हेन ओपेंड, है ना, वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलो तो फुस करके ऊपर से एकदम उसमें से झाग झाग निकलने लगता है, तो वो क्या हो रहा है, देखो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल कैसे पैक होती है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, सर कोल्ड ड्रिंक, ये सर कोल्ड ड्रिंक बॉटल जब पैक होती है, ये कौन सी कोल्ड ड्रिंक है सर, दवा की बॉटल बना दी आपने, ये कोल्ड ड्रिंक बॉटल जब पैक होती है तो आपको ये तो पता होगा कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, है ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक बोलते हैं, तो इसके अंदर हम लोग हाई प्रेशर में CO2 को पैक करते हैं, हाई प्रेशर में हम इसमें CO2, जैसे वाले क्वेश्चन में 2.5 ATM पर कार्बन डाइऑक्साइड को पैक किया, अब आपने क्या किया, आपने ढक्कन खोल दिया घर ला के, ठीक है, अब सर ढक्कन तो खोलेंगे ना, हम लोग पियेंगे कैसे, कैसी बात करें आप, डायग्राम तो मेरे आप जानते हो हमेशा बहुत ही खूबसूरत बनाता हूँ मैं डायग्राम, ठीक है, तो आपने बॉटल ओपन की, बॉटल ओपन करते ही क्या हुआ, बाहर कौन सा प्रेशर आ गया, 1 ATM का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर फॉल्स, भाई जब तक बॉटल बंद है तब तक एकदम हाई प्रेशर में पैक करके भेजा, जैसे मान लो 4 ATM 2.5 ATM, जैसे पिछले सवाल में 2.5 ATM पे था,
खोलते ही प्रेशर 1 एटीएम हो गया इसका, तो प्रेशर फॉल्स होने से क्या होगा भैया? हेनरीज लॉ कहता है प्रेशर फॉल करेगा तो सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। सो कार्बन डाइऑक्साइड फिजिस आउट, अब वो अंदर रह ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो? बड़ा सिंपल है यार, ऊपर से प्रेशर लगा रहे थे तब तक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुसा हुआ था, प्रेशर हल्का किया कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुल बुलबुल बन के भाई साहब दबा के रखा हुआ था, सही था, जैसे ही प्रेशर रहा बुलबुल बन के बाहर निकल आया। ठीक है, दूसरा इसका एग्जांपल है एनोक्सिया की डिसीज। एनोक्सिया क्या होता है कि मेंटल कन्फ्यूजन इन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, ठीक है, थोड़ा परेशान हो जाते हैं। कहाँ पे? जब आप बहुत हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं, एट हाई अल्टीट्यूड। ठीक है, अब हाई अल्टीट्यूड जैसे मान लो कहाँ, मतलब मान लो जैसे अपन चले गए कहीं पहाड़ वहाड़ पे चले गए, ठीक है, वो शिमला विमला चले गए, नैनीताल वगैरह चले गए हाई अल्टीट्यूड, तो हाई अल्टीट्यूड पे जाने पे आपको पता है क्या होता है? प्रेशर फॉल कर जाता है। प्रेशर फॉल करेगा तो आपको पता है सॉलिबिलिटी भी फॉल करेगी, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस है ना, डिक्रीज करेगी कि नहीं, फॉल करेगी कि नहीं, फॉल करेगी। आपको पता है ना हाई अल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस भी फॉल कर गई, यानी अब आपके ब्लड के अंदर, ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व कम होगी। ठीक है ना भाई, ऑक्सीजन गैस है और ब्लड क्या है हमारा? सॉल्वेंट है। ठीक है ना, तो आप ऊपर पहुंचे हाइट पे, वहां प्रेशर फॉल कर गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जब प्रेशर है पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर फॉल कर गया, तो ऑक्सीजन का फॉल नहीं करेगा क्या? सभी का फॉल कर जाएगा भाई, पार्शियल प्रेशर भी फॉल करेगा। ओवरऑल प्रेशर कम हो गया तो एक एक गैस का भी तो कम हो जाएगा प्रेशर, उसी में से निकालना होता है ओवरऑल प्रेशर में से उनको। तो ऑक्सीजन का प्रेशर फॉल कर गया, अब ब्लड में अच्छे से ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो रही है ना, तो दिमाग को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो इंसान कन्फ्यूज होता है, इवन बॉडी को भी नहीं मिलती। तो एक तो मेंटल कन्फ्यूजन भी होता है, साथ में टायर्डनेस भी होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनोक्सिया। ठीक है, डिजीज़ है कि कन्फ्यूजन की स्टेट में रहता है ना, ब्लड में जब ऑक्सीजन नहीं होता तो दिमाग कन्फ्यूज। तीसरी जो चीज़ है वो है, एक और इसका एग्जांपल है जो समझाया जाता है रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है, वो स्कूबा डाइवर्स का है, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, वो डिस्कवरी में देखा होगा, डीप सी डाइवर्स अंदर जाते हैं छपाक मार के, है ना, तो डीप सी डाइवर्स जब अंदर जाते हैं, ठीक है, तो उनका जो सिलेंडर होता है उसमें थोड़ी सी हीलियम डाल दी जाती है, सिलेंडर में ऑक्सीजन होना चाहिए ना, तो सर ये हीलियम क्यों डाल दिया, हंसने के लिए, हीलियम से हंसी आती है? नहीं, अच्छा, हीलियम से वो आवाज़ आती है ना वाली पतली वाली, है ना, तो वो करने के लिए नहीं, नाइट्रो ऑक्साइड से हंसी आती है, तो हीलियम क्यों डाल दिया? तो इनके जो सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंडर्स डाइल्यूटेड विथ हीलियम। अभी समझाते हैं ऐसा क्यों। मान लो यहाँ स्कूबा डाइवर को अंदर आया, ठीक है, स्कूबा डाइवर बढ़िया मस्त अंदर आया, अब आप डीप सी डाइवर बहुत नीचे गया है, बच्चों बहुत नीचे जाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा कि कम? डेप्थ पे प्रेशर क्या होता है? प्रेशर हाई होता है कि लो होता है? हाई होता है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने ना, फिजिक्स का टीचर जो भी आपका होगा आपको पढ़ाया होगा कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो प्रेशर बढ़ जाता है रो जी एच की वजह से ना नीचे, तो प्रेशर यहाँ पे हाई होगा। प्रेशर हाई होने से क्या होगा बच्चों? सॉलिबिलिटी भी हाई हो जाएगी। सॉलिबिलिटी हाई होने से क्या होगा? अब इस बार उल्टी कहानी हो जाएगी क्या? ब्लड में ऑक्सीजन नाइट्रोजन मोर डिसॉल्व होगा, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ब्लड में ऑक्सीजन नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाएगा। भाई नीचे आए आप, भाई वो स्कूबा डाइवर एकदम नीचे चला गया डेप्थ पे, प्रेशर बहुत है वहाँ पे, तो पर्टिकुलर गैसेस का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहेगा, तो गैस ज़्यादा सॉलिबल हो गई ब्लड में, जितना नहीं चाहिए था उससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिल गया, तो उससे तो तकलीफ होगी ही होगी। उसके बाद तकलीफ असली तब होगी जब ये भाई साहब निकल के बाहर आएंगे, ठीक है, अब जगह नहीं लिखते बता देते हैं, जब ये भाई साहब निकल कर बाहर आएंगे, जब ये निकल के बाहर आएंगे तो प्रेशर फॉल कर जाएगा। देखो अंदर गया डेप्थ में गया, प्रेशर हाई था, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब ब्लड में भर गया, सॉलिबिलिटी ज़्यादा थी, सब ऐसे डिसॉल्व हो गए। अब बाहर आते ही क्या हुआ? वो ये वाली कहानी हुई ये वाली कहानी हुई कि पैक हो गया अंदर तो डिसॉल्व, बाहर आते ही ढक्कन खुल गया, बाहर आते ही प्रेशर गिर गया, प्रेशर गिरते ही ये कार्बन ये O2 और N2 ब्लड में जो डिसॉल्व थे अब बुलबुले बुलबुले बन के बाहर निकल आएंगे, है ना, कैपिलरीज के अंदर बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो इन सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बेंड्स बन जाना, जब कैपिलरीज में इस तरह से ऑक्सीजन के बबल्स नाइट्रोजन के बबल्स आ जाएं तो इसको हम बोलते हैं बेंड्स आ जाना। ठीक है, तो मेडिकल सिचुएशन है, प्रॉब्लम हो जाती है इंसान को, है ना।
यहाँ प्रॉब्लम नहीं है कि ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व हो गया, उससे तो जो प्रॉब्लम होगी होगी ना, ज़्यादा ऑक्सीजन से भी क्या होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन से भी इंसान को हेलुसिनेशन होने स्टार्ट होते हैं, ज़्यादा हो कम हो ऑक्सीजन दोनों से हेलुसिनेशन होते हैं, है ना। तो इनको कुछ भी दिख सकता है, सामने शेर चीता दिख सकता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। और ऊपर आते ही क्या हुआ, ऊपर आते ही प्रेशर फॉल किया तो ऑक्सीजन बाहर निकलने लगी ब्लड से, बबल 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 बन के जितना डिजॉल्व थी वो बाहर आने लगी, तो उसको बेंड्स बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ड्यू टू हेनरीज लॉ। यही टॉपिक था हेनरीज लॉ का, एक ही अच्छा सवाल था वो भी करा दिया। तो इसमें जो फॉर्मूले में जो टर्म्स हैं याद रखना कि प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस है, पार्शियल प्रेशर है उस गैस का, के एच क्या है हेनरीज कॉन्स्टेंट है, और एक्स क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड। तो यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर करते हैं खत्म, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।